बहुजन समाजवादी पार्टी की कद्दावर नेता मायावती को आखिर कौन नहीं जानता। जब भी कोई दूर से किसी सूट में किसी महिला को देखता है तो वो जरूर सोचता है कि ये तो शायद बसपा प्रमुख मायावती जी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मायावती आखिर सूट ही क्यों पहनती है, आप उन्हें कोई और कपड़ों में क्यों नहीं देखते? तो आज हम आपको इसी बारे में और इसी किस्से के बारे में जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूँ आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा सुप्रीमो मायावती देश की कद्दावर नेता है। वे चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है। साल 1995, 1997, 2002 और 2007 में उन्होंने सूबे की कमान भी संभाली थी। बता दें कि मायावती दक्षिण पश्चिम दिल्ली के इंद्रपुरी की झुग्गी झोपड़ी में कॉलोनी में पली बड़ी है। उनके पिता प्रभुदयाल क्लर्क और माँ रामरति देवी गृहिणी थी। मूल रूप से मायावती का पैतृक परिवार यूपी के बादलपुर से ताल्लुक रखता है। पिता की नौकरी के कारण उनका परिवार दिल्ली आ गया था। मायावती को आपने सामान्य तौर पर सूट में ही देखा होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी साड़ी नहीं पहनी, लेकिन एक घटना के बाद उन्होंने साड़ी पहनना छोड़ दिया था। ये किस्सा बहुत पुराना है। बात मायावती के राजनीतिक सफर के शुरुआती दिनों की है। बुलंदशहर में मायावती और एक जिलाधिकारी के बीच मतपत्र देखने के लिए कहासुनी हो गई थी। मायावती को बुलंदशहर से इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में लाया गया था। दिसंबर 1991 में बसपा सुप्रीमो की लखनऊ हाई कोर्ट में पेशी हुई थी। उस वक्त लखनऊ पैसेंजर से दोबारा इलाहाबाद जाते हुए मायावती के एनकाउंटर की साजिश रची गई थी। ये किस्सा जिंदा रहते हुए सरबन हुसैन ने सुनाया था। सरबन हुसैन अब इस दुनिया में नहीं है। उनका परिवार इलाहाबाद के नैनी में रहता है। ये परिवार मायावती के शुरुआती राजनीतिक के दिनों में उनके बहुत करीब था। सरबन हुसैन ने 20 नवंबर 2017 को दुनिया से अलविदा कह दिया था। बता दें कि सरबन हुसैन ने ही मायावती की एक समय जान बचाई थी। सरबन हुसैन ने बताया था कि जब ट्रेन प्रयागराज स्टेशन के पास खड़ी थी तो स्कॉट के दरोगा ने नीचे उतरकर पैदल चलने के लिए कहा था। उस वक्त दरोगा ने मायावती का एनकाउंटर करने की नियत से रिवॉल्वर तान दी थी। तब मायावती ने सरबन से कहा था कि सामने मस्जिद में लोग जुटे हुए हैं, वो एक बार आवाज़ लगा दे वरना ये मुझे मार देगा। ट्रेन के उसी कोच के में कुछ आर्मी के लोग भी सफ़र कर रहे थे। उन्होंने दरोगा को गोली न चलाने के लिए चेतावनी दी थी, जिससे दरोगा डर गया। उसके बाद मायावती को रिक्शे पर बैठा कर पुलिस लाइन ले जाया गया, जिसके बाद मायावती ने दरोगा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी। जेल से छूटने के बाद मायावती सरबन हुसैन के घर पहुंची थी। उनके साथ बसपा सांसद रह चुके हरभजन सिंह लाखा भी थे। उन्होंने हुसैन के घर में एक दिन बिताया था। 28 जनवरी 1992 में मायावती ने हुसैन के परिवार को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने सरवन के रिश्तेदार का दिया हुआ सूट ही पहना है, अब वे हमेशा सूट ही पहनेगी। बता दें कि 15 जनवरी 1956 को जन्मी मायावती जब महज 21 साल की थी तो उनकी मुलाकात बहुजन मूवमेंट को धार देने के लिए जुटे काशीराम से हुई थी। उस वक्त तक बहुजन समाजवादी पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था। काशीराम वामफेस के जरिए बहुजन समाज के बीच सक्रिय थे। बहुजन समाजवादी पार्टी का गठन तो 1984 में हुआ, लेकिन मायावती काशीराम के साथ बहुजन मूवमेंट में 1977 से ही जुड़ गई थी। यही मायावती के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट भी था, वरना बीएड और लॉ ग्रेजुएट मायावती का सपना तो आईएएस बनने का था। इस मुकाम तक पहुंचने से पहले अपनी और अपने परिवार की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने एक स्कूल में शिक्षक की भी नौकरी शुरू कर दी थी। तो ये था बसपा सुप्रीमो मायावती का सूट पहनने का राज। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे ही नेताओं के और भी कई दिलचस्प राजों को जानने के लिए बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।